और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं है, साथ ही कहा सेना का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर जो सियासी बवाल मचा है उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं है, साथ ही कहा कि सेना का कांग्रेस पार्टी और हम पूरा सम्मान करते हैं। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के एक बार फिर से सबूतों की मांग की थी सरकार से, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलड़ा झाड़ लिया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने यह कहा कि ये पार्टी का ख्याल नहीं है, ये पार्टी की तरफ से बयान नहीं दिया गया, पार्टी की सोच नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की सोच है, ये दिग्विजय सिंह का दिया हुआ निजी बयान है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर, दिग्विजय के बयान पर राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया, सेना का पूरा सम्मान करते हैं राहुल गांधी ने यह कहा है। तरह तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे थे कि एक बार फिर से सेना के शौर्य पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, जिस पर राहुल गांधी का ये जवाब। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब सामने आया कि सेना के शौर्य पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। बार बार आप उसको उठा के उस समस्या को और जटिल मत बनाओ। हमने ये तो स्पष्ट कहा कि हम देश के लिए जो आर्मी के साथ हम है और हम हमेशा देश के एकता के लिए काम करते हुए आए हैं, आगे भी उसी ढंग से हम रहेंगे। अनुशासन की कोई कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सर कार्रवाई कोई कितने बार बोलना, अभी तो बोले हम सम्मान करते हैं, देश के लिए सब एक हैं और जुड़े हुए। ये चंद लोग अपप्रचार करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और देश की आजादी हमने दिलाई और देश को एकता हम रखेंगे, उसके लिए भी हमने कुर्बानी दी और आगे भी देश के एकता के लिए सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना आपने, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश को चाहे स्वतंत्रता दिलाने की बात हो या फिर शौर्य की बात हो, सैनिकों के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सम्मान किया है। अश्विनी कुमार, आपको जवाब मिल गया? राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।